और देखिए झारखंड में चुनावी हलचल काफी तेज है और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताएं। लुईस मरांडी जेएमएम नेताओं के संपर्क में हैं। लुईस मरांडी के जेएमएम में शामिल होने की चर्चा भी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि आज ही लुईस मरांडी जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता लुईस मरांडी जेएमएम नेताओं के संपर्क में हैं और बताया जा रहा है कि आज ही लुईस मरांडी जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे नेता जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में पहले शामिल हो चुके हैं, अब बीजेपी के नेताओं के भी जेएमएम के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। उनमें से लुईस मरांडी का नाम जो है वो सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि लुईस मरांडी जो है वो जेएमएम नेताओं के संपर्क में है और ऐसी संभावना है कि आज ही लुईस मरांडी जेएमएम का दामन थाम सकती हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बीजेपी की कद्दावर नेता के तौर पर जानी जाती है लुईस मरांडी और सबसे दमदार महिला नेता में से एक है। और अगर इनके बारे में बात करें तो 2009 में दुमका से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, हेमंत सोरेन से 2669 वोट से हार गई थी और फिर 2014 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। रघुवर दास की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी लुईस मरांडी बनाई गई थी। 2019 में एक बार फिर से हेमंत सोरेन से हार गई और अब खबर ये मिल रहा है कि झारखंड में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले ये जेएमएम नेताओं के संपर्क में हैं और ऐसी संभावना है कि आज ही लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए ये बहुत ही कॉमन ही है, हर बार देखने को मिलता है, लेकिन जो ये बातें कही जा रही है कि आज ही लुईस मरांडी शामिल हो सकती हैं, जेएमएम का दामन थाम सकती हैं, क्या कोई टाइमिंग भी निर्धारित किया गया है? जी बता दें कि लुईस मरांडी जो हैं वो जेएमएम नेताओं के संपर्क में हैं और आज जो दोपहर के बाद उनके शामिल होने की, दोपहर तक ऐसी संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर कोई भी अभी तक न लुईस मरांडी की तरफ से कोई कंफर्मेशन किया गया और न ही जेएमएम की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन किया गया है। बता दें कि पूरे मामले में जिस तरह से दुमका सीट पर वो खुद को प्रत्याशी मान रही थी, लेकिन वहाँ से सुनील सोरेन को प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है, जिसके बाद से ही लुईस मरांडी जो हैं वो अपने टिकट कटने को लेकर नाराज थी और इस वजह से ही वो जेएमएम के संपर्क में आई हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार लुईस मरांडी की कई नेताओं से बातचीत हुई है जेएमएम के और वो कभी भी जेएमएम का दामन जो है वो थाम सकती हैं। जी ओम प्रकाश, कब तक लगता है ये कंफर्म हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्दी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, तो क्या माना जाए कि उससे पहले ये सब कुछ तय हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो संभावना है कि आज ही इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपने सीटों का ऐलान जो है वो, प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में इस वजह से ही संभावना जताई जा रही है कि लुईस मरांडी जो हैं वो आज जो हैं वो जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। दोपहर के आसपास वो कभी भी जेएमएम का दामन जो है वो रांची में ठीक ही है। चलिए ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, लुईस मरांडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बरहेट से लुईस मरांडी को मनाने की तैयारी में है बीजेपी, मतलब ये कि बरहेट सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं से लुईस मरांडी को फोन भी आया है। लुईस मरांडी फिलहाल बरहेट से उतरने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लुईस मरांडी इस पर तैयार हो जाए। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, अगर हम इस तरीके से देखें तो बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि जब एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि जेएमएम नेताओं के संपर्क में है लुईस मरांडी, तो उन्हें अब मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए बीजेपी के लिहाज से माने संथाल ने बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है लुईस मरांडी, 2014 में हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं। हालांकि 2019 में हेमंत सोरेन ने भी उन्हें लुईस मरांडी को हराकर दुमका सीट से बदला लिया था। इस बार पूरी तैयारी जो लुईस मरांडी दावा कर रहे हैं कि दुमका में उनकी पूरी तैयारी थी, पार्टी ने कल सूची जारी होने के बाद बरहेट सीट को जानकर होल्ड किया था, और टुंडी सीट को, कि बरहेट सीट जो है लुईस मरांडी के लिए तैयार किया गया है कि वो वहां पर हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकती हैं।
लेकिन यहाँ पर से बार बार ये भी कहा जा रहा था कि इसके लिए जो लुइस मरांडी की ओर से कहा गया कि उन्हें पहले नहीं बताया गया, अगर वो पहले बताती कि हेमंत सोरेन के खिलाफ उतरना है तो चूंकि सीएम है, बड़ा चेहरा है, तो तैयारी पहले से कर रही होती। लेकिन पार्टी की ओर से जो मेरी जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह का भी 3 दिन पहले फोन आया था, कल शाम में भी अमित शाह का फोन आया लुइस मरांडी को, और उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ है, आप तैयार रहिए, बरहेट में तैयारी कीजिए। लगातार यहाँ प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनका भी फोन जा रहा है लुइस मरांडी को कि आपको वहां पर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी पार्टी आपके साथ है। लेकिन लुइस मरांडी जानती हैं कि बरहेट से उनके लिए स्थिति उतनी आसान नहीं होने जा रही, क्योंकि उनके लिए जो कह सकते हैं कि उनका ये भी आरोप है कि दुमका में जो उनकी पूरी एक जो जमीन तैयार की हुई है, जहां वो 2014 से ही वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लास्ट जो 2019 का चुनाव का है, मैंने कहते हैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन बरहेट में कैसे बिठा पाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लुइस मरांडी की जो स्थिति है पार्टी ने होल्ड कर रखा है, कि अगर लुइस मरांडी मान जाती है बरहेट लड़ने के लिए तो फिर आप जल्द देखेंगे कि ये खबर चलती हुई नजर आएगी कि लुइस मरांडी जो है उनको बरहेट की सीट दे दी गई है। लेकिन फिलहाल लुइस मरांडी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बरहेट आसान उनके लिए नहीं होने जा रहा है। दुमका उनकी सीट सुनील सोरेन को दी गई थी, वही सुनील सोरेन जिनकी जो है जो दुमका लोक जो लोकसभा चुनाव में उनकी सीट काट के सीता सोरेन को दे दी गई थी। तो पार्टी की ओर से जो है इस बात जो है सुनील सोरेन को दुमका सीट दी गई है, जो लुइस मरांडी की जो उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। कुल मिलाकर स्थिति अभी वेट एंड वॉच की है कि लुइस मरांडी आखिर क्या करती हैं, दूसरी पार्टी का रुख। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि जो लुइस मरांडी हैं उनको लेकर खबर, दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली ये कि वो सूत्रों के वाले से खबर है कि जेएम के नेताओं के संपर्क में, और हो सकता है कि जेएम का दामन वो थाम ले, लेकिन बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जनार्दन पासवान LJPRV में आज शामिल होंगे। दिल्ली में चिराग पासवान से मिलकर पार्टी का दामन थामने वाले हैं। चतरा सीट पर LJPRV के उम्मीदवार भी बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जनार्दन पासवान LJPRV में आज शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे और फिर पार्टी का दामन वो थाम लेंगे। चतरा सीट से पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो आपको बता दें कि झारखंड में इस बार एनडीए अलायंस के अंतर्गत LJPRV के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो भी अब पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में चतरा सीट से उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही पार्टी कर सकती है।